भगवान राम जी के साथ लाइन पे सर क्या लगता है जिस तरीके से निरंजना जी ने बयान दिया है उसके बाद आम आदमी पार्टी को किस तरह से देखिए बहुत दुखदायक है बहुत शर्मनाक है। इससे बीजेपी की मेंटेलिटी पता चलती है कि कैसे कैसी कैसी भाषा को इस्तेमाल करते हैं अंदर उनकी मानसिकता जो बाहर आ रही है धीरे धीरे जीतने के बाद वो असल में अपने आप को भगवान समझ बैठे हैं तो दूसरों को गालियां और भद्दी भाषा का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत शर्मनाक है। पार्लियामेंट में हमने ये मुद्दा उठाया पूरी सभी विरोधी दलों ने उठाया टीएमसी भी थी कांग्रेस भी थी हम आम आदमी पार्टी भी थी तो उसके बाद मामले को बढ़ता देखकर आम आदमी पार्टी ने भी जब विरोध किया इस बात का कि क्या सिर्फ आप ही ऐसे हो जो जो शालीन हो दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले दूसरों को गालियाँ दे रहे हैं तो इस बात पर उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद सहमत है आम आदमी पार्टी उनके उस माफ़ी से। देखिए एक संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है अगर उसमें खड़े होकर माफ़ी मांग रहे हैं तो ये तो उसके बाद संसद को चलाना भी है क्योंकि बहुत सा पैसा देश का संसद को चलाने पर खर्च होता है। भगवंत मान जी हमसे बातचीत करने के लिए साफ तौर पर पूरी तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है आम आदमी पार्टी ने और भगवंत मान ने साफ तौर पर कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को टाटे। इसके साथ नवीन चौहान दिल्ली वीआईपी न्यूज।